नाली नहीं, नाली नहीं है, रोड नहीं है, हमरा के अंदर जाए ला रोड नहीं है। इतना पानी बरसात के मौसम में रहता है। युवाओं के लिए कौन करेगा काम, तेजस्वी के नीतीश? तेजस्वी करेगा न नीतीश करेगा, बीजेपी करेगी। कौन आपको लगता है नीतीश कुमार काम करेंगे कि तेजस्वी काम करेंगे? नीतीश कुमार इतना दिन किए हैं तो उससे हम तो संतुष्ट हैं। गांव में तो लगा उसका मान लगा निकला। ऐसे नेताओं की जरूरत है जो जनताओं के साथ विश्वास के साथ खड़ा उतरे। सरकार बदलनी चाहिए कि सरकार रहनी चाहिए? बिहार की संस्कृति के सबसे चटकदार रंग मिथिलांचल में देखने को मिलते हैं। मैथिल खान पान, रहन सहन, पूरी पकवान की चर्चा आप सब ने देखी और खूब सुनी है, लेकिन मैं माधुरी कलाल आपको लाई हूँ मिथिलांचल के दरभंगा के कुछ गांवों में। दरभंगा के इन गांवों में आकर यहाँ की मिट्टी को समझना मेरे लिए बहुत अलग सा अनुभव है, और इसीलिए आज बिहार की उस संस्कृति पर जब इन गांवों में सियासत की धूल जमी है तो उस धूल को हटाने, उस धूल को चटकाने और उस धूल से निकलकर उस संस्कृति के रंगों को फिर चमकदार कैसे बनाया जाए, इन लोगों से समझने के लिए हम आ पहुंचे हैं दरभंगा के ही एक हायाघाट विधानसभा की एक गांव नवटोल में। इस वक्त यहां जो गांव में चौपाल जैसी जगह है वहां लोग हैं। नमस्ते सर, क्या नाम है? पहले बताइए, नवटोल गुजरौली से हम लोग हैं। हाँ, हायाघाट के विधानसभा के नवटोल गुजरौली। हाँ, गाँव है। कितना आबादी है यहाँ? यहाँ हजार किलोमीटर से आबादी है। हम लोगों ने विश्वास के साथ अमरनाथ गामी को जिताए थे। अमरनाथ गामी जी यहाँ से जो कुछ भी किए 10 साल जीतते आ रहे हैं, और आज वो पासा यहाँ से पार्टी बदल करके और दूसरे विधानसभा में चले गए हैं। तो देखने की स्थिति यही मिली कि 10 साल उन्होंने यहाँ रहा तो सिर्फ मोदी जी के विश्वास में यहाँ रहा। पहली बार उन्होंने बीजेपी से जीता, फिर जेडीयू के नाम पर जीते हैं, अब आरजेडी में चले गए हैं। तो इनका ये पैटर्न बदलने का सिलसिला जारी रहता है। तो ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है बिहार में। ऐसे नेताओं की जरूरत है जो जनताओं के साथ विश्वास के साथ खड़ा उतरे और जनताओं की सेवा करें, विश्वासघात ना करें, ये विश्वासघात ना करें। तो यहाँ दरभंगा के असल मुद्दे क्या आते हैं आपके जहन में कि ये काम नहीं हुआ है यहाँ? ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता है कि काम नहीं हुआ। हर एक क्षेत्र में काम हुआ है हमारे एनडीए के गठबंधन के सरकार में, और चाहे जिस क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, हर एक क्षेत्र। विधायक से आप फिर भी नाराज हैं? हाँ, विधायक से भी हम लोग नाराज हैं। अच्छा, देखिए एक मैं बात बता दूं, जैसे ये बता रहे हैं अमरनाथ गामी जो हैं वो 10 साल से यहाँ विधायक। अमरनाथ गामी इस वक्त मैं बता दूं कि दरभंगा जो विधानसभा, दरभंगा जो जिला है मिथिलांचल का, इस दरभंगा में भी 10 सीटें आती हैं। हायाघाट विधानसभा भी एक विधानसभा है उन 10 में से, जहां 7 नवंबर को वोटिंग होनी है। और इन 7 नवंबर को वोटिंग के पहले पहले यहां कैंपेन में कई लोग आपको दिखेंगे, गांव में कैंपेन के लिए आते हैं। लेकिन 10 विधानसभाओं में से हायाघाट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब यहां जो कैंडिडेट हैं जीते हुए मौजूदा विधायक अमरनाथ गामी, वो 2010 में डीयू में थे, माफ कीजिएगा, बीजेपी में थे। फिर 2015 में जब आए तो वो महागठबंधन जो आरजेडी जेडीयू वाला था उसमें जीते, और जेडीयू की टिकट से वो यहाँ जीते थे। अब वो यहाँ से हटके दरभंगा के शहरी वाली सीट पर चले गए हैं और वहाँ वो राजद के टिकट पर लड़ रहे हैं। यहाँ पे इस वक्त जो उम्मीदवार हैं वो आरजेडी के भोला यादव, जो लालू जी के हनुमान कहे जाते हैं, और उनके सामने पिछली बार 2015 में लोजपा के अमरनाथ गामी ने लोजपा को हराया था, और इस बार यहाँ पर जो लड़ाई है वो आरजेडी और भाजपा की है। अच्छा, आप बताइए दादा, क्या नाम है आपका? हकरू सहनी जी। अब क्या करते हैं दादा? क्या करेगा, खेती गृहस्थी करते हैं, और क्या करेंगे, खेती गृहस्थी है। अच्छा, यही गांव में ही घर है आपका? इधर ही सबको यही पर है, सबका यही है। तो यहाँ क्या मतलब, सड़क तो फिर भी मैं देख पा रही हूँ, सिंगल रोड है। इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं, क्या नहीं है? पानी वानी आता है ठीक से? आता है। सरकारी सुविधाएं पहुँची है यहाँ? सरकारी सुविधाएं पहुँची है। विधायक साहब कभी आए हैं यहाँ? विधायक साहब भी आते हैं?
नहीं आता, नहीं आता। तो यहाँ मुझे बताइए कि आप तो इतना अनुभव हो गया आपको, लालू यादव का भी टाइम देखे थे और नीतीश कुमार का भी टाइम देख लिए, आपको कौन ज्यादा अच्छा लगा, लालू यादव का टाइम अच्छा लगा या नीतीश कुमार का? नीतीश कुमार का लगा, नीतीश कुमार का टाइम अच्छा लगा। तो इस बार लालू यादव के बेटे आ रहे हैं, है ना, तेजस्वी यादव, तो लोग युवा की बात कर रहे हैं, तो वो ज्यादा अच्छे लगेंगे लोगों को कि नीतीश कुमार? नीतीश को अच्छा लगेगा। थोड़ा और आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप लोग युवा हैं, यही रहते हैं, इसी गांव के हैं? क्या क्या नाम है? नवीन कुमार जी। नवीन कुमार जी, क्या लग रहा है इस बार युवाओं के लिए कौन करेगा काम, तेजस्वी के नीतीश? न तेजस्वी करेगा, न नीतीश करेगा, बीजेपी करेगी। बीजेपी करेगी, तो नीतीश भी तो बीजेपी के साथ है। पर वो जीतेगा नहीं, वो मुख्यमंत्री उसे नहीं बनाना है। नहीं बनाना है, किसे बनाना है फिर? पप्पू यादव। अरे पप्पू यादव तो बीजेपी के साथ ही नहीं है। नहीं तो पप्पू यादव को मुख्यमंत्री बनाने में बेटर है। वो क्या करेंगे? वो शिक्षा के पे ध्यान दिए हैं, और बाढ़ जैसे अभी बाढ़ आया था तो वहाँ बांध डैमेज है, उसके देखने के लिए यहाँ का जो वर्तमान विधायक अमरनाथ गामी थे वो बहुत कम गया, वो आए वहाँ देखे, सारा कुछ निरीक्षण किए, उसके बाद वो बोले कि हम मुझे 3 साल यहाँ मिलेगा तो मैं एशिया का सबसे अच्छा राज्य बना दूंगा। ये सब तो मुख्यमंत्री पप्पू यादव जी को कैसे बनाएंगे? पप्पू यादव जी तो खुद ही इधर उधर लोगों से मिलजुल के संख्या जल जटोट रहे हैं। लेकिन अच्छी बात देखिए, पप्पू यादव ये समझ लें कि वो 30 साल वर्सेस बनाम 3 साल की बात कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं बहुत कुछ करूंगा, तो युवा उनको देख भी रहे हैं। बताओ कि कितने साल के हो, क्या मतलब कितना पढ़े लिखे हो, क्या सुविधाएं हैं इस गांव में? अपने गांव में इंटर तक पढ़े हुए हैं। इंटर तक पढ़े हुए, उसके बाद नौकरी ट्राई की है? नौकरी ने, अपना बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं, तो यहाँ मुझे बताओ कि सरकारी योजनाएं कितनी पहुँची है इस गांव में? सरकारी योजना आता है बहुत, जो है सो आता है। आता है, पानी बिजली का कोई दिक्कत नहीं गांव में? जी नहीं, पानी तो विधायक जी काम किए हैं, मतलब विधायक जी किए हैं, कामी साहब काम किए हैं जी। इस बार तो भोला यादव को टिकट दे दिया है RJD ने, है, और बीजेपी ने दिया, तो इस बार किसका यहाँ जोर ज्यादा है, बीजेपी की RJD? बीजेपी। बीजेपी, तो आपका जो घर में बिजली वगैरह टाइम पे आता है एकदम? हाँ बिजली आता है टाइम पे, 24 घंटा बिजली? हाँ 24 घंटा। पानी? पानी अभी नल का काम पूरा नहीं हुआ है। वो जो नल जल योजना बोला था वो हुआ है? हाँ हुआ है। कहाँ कहाँ पे गांव में? ये तो हर घर में हुआ है, घर घर जितने। तो पानी आता है उसमें? हाँ सुबह शाम आता है। आता है सुबह शाम आता है। अच्छा, और आप इधर आइए जरा, आंगन में इन्होंने गेहूँ एकदम धूप में डाला हुआ है, आपके ही खेत का है ये? हाँ खेत का ही है। हाँ, तो बेचते भी हो या घर के लिए है खाली? खाने के बाद जो बता है बेचते भी, वो बेचते भी है। हाँ। लोग क्या सोचते हैं, मतलब आप क्योंकि आप महिला हैं, है ना, तो जो लोगों में बात होती है नेता की, तो नीतीश कुमार का नाम आता है, फिर कभी अब तेजस्वी का नाम आ रहा है, तो कौन आपको लगता है नीतीश कुमार काम करेंगे कि तेजस्वी काम करेंगे? अभी तो नीतीश कुमार इतना दिन किए हैं तो उससे तो हम तो संतुष्ट हैं। चलिए आप बाहर चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। देखिए आप गांव में जब आते हैं तो मैंने ये देखा है हर जगह कि आंगन लिपते हैं लोग, बैठ जाओ। ये बताओ कि आपका नाम क्या है? मीरा देवी। हाँ। अच्छा मीरा देवी जी, ये बताओ कि आपके घर में पानी बिजली टाइम से आता है? बिजली सही है। बिजली का दिक्कत नहीं है, रोड भी बनी हुई है। हाँ। और पानी है, गया है टंकी वो सब पर बनिया, सरकारी वाला? हाँ सरकारी वाला आता है, सरकारी वाला। हाँ, आता है। और यहाँ विधायक साहब आए हैं कभी, काम किए हैं विधायक कुछ? हाँ भैया आते हैं विधायक। हाँ गामी आता है, अमरनाथ गामी आते हैं यहाँ। अच्छा अभी ये बताओ कि अब लोग यहाँ स्कूल बच्चों का कितना दूर है यहाँ से? एक किलोमीटर। हाँ। अच्छा ये बताओ अम्मा कि हॉस्पिटल तो बहुत दूर है, आपका छोटा सा बच्चा है ये प्यारा, हाँ तो ऐसे बच्चे के लिए हॉस्पिटल कहाँ है? बहेड़ी यहाँ से 15 किलोमीटर। हाँ तो फिर अगर अर्जेंट हो जाए तो ऐसे फिर आसपास कोई हॉस्पिटल कोई डॉक्टर नहीं है? नो। सरकार बदलनी चाहिए कि सरकार रहनी चाहिए? बदलवे के लिए करेंगे। चलिए ठीक है, देखिए थोड़ा बहुत जो मुझे समझ में आया वो ये कि काम यहाँ पर बाकी सब तो ठीक है, लेकिन
कुछ चीजों में एक तो हॉस्पिटल की थोड़ी मुझे लगता है समस्या है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी किसान। किसानों के लिए सरकार जो सुविधाएं दी है मिला है आपको? जी नहीं, नहीं मिला। तो यहाँ विधायक काम किया है कि नहीं किया है? कुछ पता ही नहीं चल रहा, क्या पता। सरकार बदलेंगे इस बार, लालू प्रसाद यादव की लाएंगे या वही नीतीश कुमार? नीतीश कुमार रहेगा। इस बार किसकी चटनी बनेगी सरकार में बताओ, लालू यादव की कि नीतीश कुमार की? किसकी चटनी बनाएगी? जे जे लका यहां तेकरा ना लोग देख देते वोट हैं हमरा सब के जे देख छे भर लोग धान पैसा जाल तब भर खाता में पैसा देल कन खाता में हां है बच्चा देलक कॉल देला घर देलक। अब हमरा सब के अब अथी चाहिए पानी बहे वाला नहीं है से नाली नहीं, नाली नहीं है, रोड नहीं है हमरा के अंदर जाला रोड नहीं है। अंदर गांव में रोड नहीं है, बाहर बना दिया है बस। बाहर बना दिया है, दिखाओ ना। तो आइनरी देवी तो इतना बढ़िया एकदम तेज हो गई बताने लगी एकदम से। अरे ये तो बहुत छोटा है अभी बकरी का बच्चा ना, कब हुआ है? दो-तीन महीना हो गया। आपका क्या नाम है? मेरा संजीला देवी। संजीला देवी जी एकदम युवा है। अभी ये बताइए मुझे कि आपको नेता कैसा चाहिए, नीतीश कुमार जैसा कि लालू प्रसाद यादव जैसा? नीतीश से यहाँ पर सब मदद कर रहे तो नीतीश को ना वोट चाहिए। अच्छा, तो सरकारी सुविधाएं पहुंची है नीतीश कुमार के यहाँ से? सब चीज मिला है, घर मिला है। घर मिला है सरकारी सुविधा? मोदी दिए हैं कि नीतीश कुमार? मोदी दिए। मोदी दिए हैं। तो यहाँ बीजेपी आएगी कि कोई और? बीजेपी। बीजेपी आएगी। हाँ। किसका फैन हो आप लोग, मोदी का? हाँ, मोदी का। कि नीतीश कुमार का? मोदी को। ये फैन मोदी जी के हैं? हाँ। क्यों मोदी जी का फैन क्यों है बताइए? सब चीज मदद की है मोदी, तब किसी को क्या मदद की है बताइए ना। घर दिए है, रोड सड़क उड़क बना दिए है, स्कूल का पैसा वैसा सबको बच्चा मिलता है, सब चीज सहायता बहुत मिला है। हाँ। गैस मिला है, घर द्वार मिला है। दिखाओ कहाँ है, उज्ज्वला वाला है? शौचालय बना है? लाइट कम हो जाएगा मेरे हिसाब से। हाँ, उज्ज्वला योजना वाला गैस पड़ा है, देखिए उस पर लिखा भी है। अगर क्लोज लेके ले मैं जाऊंगी तो दिखेगा नहीं। लिखा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाला गैस, सबको दिया है? सबके दिए। तो फिर ये लालू यादव जी के जो बेटे आ रहे हैं तेजस्वी यादव, वो कैसे उनको वोट मिलेगा फिर? लोग वो कह रहे हैं हमको वोट देंगे। हम तो इतना नहीं जानते। नहीं जानते ही नहीं है, लालू यादव के बेटे को नहीं जानते। नीतीश कुमार नल जल योजना की बात कर रहे थे, नल तो लगा है लेकिन नाली नहीं बना है क्या? इधर आइए मेरे पास आइए, यहाँ बात करिए, इधर आइए ना, बताइए ना, नाली नहीं बना है? अभी नाली नहीं बना। पानी कैसे निकलता है? अभी चालू ही नहीं किए, कॉल पर से लाते हैं। तो फिर लगाने से क्या मतलब है? तू लगल है तो धरल है। कितने साल से लग गया है? अभी 2-3 महीना ही हुआ है। सरकार चुनाव आते ही काम शुरू कर देती है। जगह जगह इन्होंने नल लगवा दिए, दिख रहा है जगह जगह पानी आता है इसमें। हाजी बनल है, दूध को हाजी है, पानी आ रहा है साँझ सुबह। शाम सुबह आता है पानी? पानी आता है शाम सुबह। खाली ये रोड नहीं बना, यही रोड के लिए दिक्कत होता है, बरसात उरसात में चलने के बहुत दिक्कत होता है। जी सर, बहुत ही समय इतना इतना पानी बरसात के मौसम में रहता है। तो ये जो ये पाइप पाइप जा रही है क्या है? ये क्या है? नल वाला है, नल वाला है। अच्छा, ये नल वाला है? नल वाला है जी, सभी नल वाला। मुखिया बात नहीं करे आके यहाँ पे कि हम बनवाएंगे नहीं बनवाएंगे? मुखिया तो घटिया मुखिया है, घटिया एकदम ही ना करता है। मुखिया किसी का बात सुनता ही नहीं है। यहाँ यादव का राजा है, जो कहता था वही होता है। और विधायक अमरनाथ गामी गामी लड़का निकला, उसको दो बार जिताया आप लोग? जिताया, लेकिन आप इसके बाद कोई यहाँ निशान मिलेगा कुछ यहाँ? तो चला गया, भाग गया वैसे भी यहाँ से विधायक आपके। घटिया चाहिए, हम लोग अच्छे करने के चलते हैं तो हम लोग बुराई करता है, ऐसा नेता यहाँ का है। हम लोग वोट करेंगे मोदी के, मोदी को करेंगे, करेंगे हम लोग मोदी करेंगे, क्योंकि हम लोग सारी सुविधा मोदी जी ने दिए हैं। हम लोग 6 महीना ने हम लोग भोजन दिए हैं, खिलाए हैं, हर कुछ दिए हैं, लत्ता कपड़ा भोजन पानी जल कल हर कुछ दिए हैं। हम लोग नीतीश से जानते हैं, हम जानते हैं मोदी जी के। नीतीश नहीं,
नीतीश को नहीं, नहीं मोदी की, मोदी मोदी सीधा मोदी, मोदी सीधा मोदी जिंदाबाद। बाहर आया इस बार कुछ भी नहीं जाके अंदर जाके देखिए हम लोग इतना जाए कादो में वही महीना कितने घर है आसपास? हजार 300 घर है, 300-400 घर। और ऐसे कितना टोला बना हुआ है अलग अलग गांव का? नायक के टोले है एक नंबर वार्ड है, हम वार्ड मेंबर है। 33 पंचायत में से एक ही है। हाँ, 121 पंचायत शुरू हुआ है। हाँ, हाँ, पंचायत है, एक नंबर वार्ड है, हम एक वार्ड के वार्ड मेंबर हम है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, आपने सारी सुविधाएं बता दी। तो इसको यहाँ हॉस्पिटल भी तो नहीं है इस वार्ड में? कुछ यहाँ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है हम लोगों का, कोई सुविधा नहीं है। जहाँ भी जाते हैं कोई सुविधा ही नहीं है। जो समझ आया यहाँ, ये हायाघाट विधानसभा का वो गांव है जहाँ सुविधाएं पहुंची है तो प्रधानमंत्री के योजनाओं के से, यानी उज्ज्वला योजना आई, गैस आया घर में तो प्रधानमंत्री से, अगर राशन आ रहा था लॉकडाउन में तो प्रधानमंत्री योजना से। इनका ये कहना है कि बच्चों को स्कूल में पैसा मिल रहा है तो प्रधानमंत्री से, यानी ये नरेंद्र मोदी से नाराज नहीं है, नीतीश कुमार से नाराज है। यहाँ पे RJD के भोला यादव खड़े हुए हैं इस विधानसभा से, जीतना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि जो भाजपा के कैंडिडेट हैं उनको सीधा सीधा वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ेगा, इसलिए ये वाली विधानसभा निकालना शायद RJD के लिए मुश्किल हो। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि पूरे दरभंगा की अगर आप बात कर लें तो दरभंगा जो इलाका है वो हमेशा से BJP के लिए आसान भी रहा है। इस बार देखना होगा कि इस विधानसभा चुनाव में लोग किन मुद्दों को देखकर इस बार वोट करते हैं, लेकिन असर इस विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का है, न तेजस्वी यादव का और न नीतीश कुमार का। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। सफर में हो या फिर घर पर, अब हर खबर होगी आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।